नमस्कार, इजी केस पॉइंट के सभी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को अभी इजी केस पॉइंट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आपको अपडेट करना पड़ेगा और एक नए इंटरफेस के साथ अभी अवेलेबल है जो कि गजब का लुक देख पा रहे हैं आप इजी केस पॉइंट का एप्लीकेशन का। तो इस तरह का लुक का अभी एप्लीकेशन हो चुका है जो कि आप प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नए नए फीचर को आपको देखने को मिलेगा और नए नए सर्विस को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा लुक गजब का है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारे ऑप्शन को यहाँ पे ऐड किया गया है। जैसे यहाँ पे आपको ट्रेन टिकट का भी ऑप्शन जल्द ही लाइव हो जाएगा जो कि यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं, फ्लाइट टिकट का ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, पैन कार्ड का ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। BBPS देख पा रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत ही गजब का एप्लीकेशन को चेंज कर दिया गया है। तो अभी आप प्ले स्टोर में अपडेट करेंगे एप्लीकेशन को, अगर आप इजी केस पॉइंट के एप्लीकेशन पहले वाला पुराना वाला है तो इसको अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद आपको एक नए फीचर यहाँ पे ऐड किया गया है, नए सर्विस को भी जोड़ा गया है जो कि जल्द ही आपको लाइव देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये एप्लीकेशन में इंटरफेस अभी आप देख पा रहे हैं इस तरह का है। यहाँ पे आपको कुछ गजब गजब का चीज को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे AEPS है, DMT है, MATM है, तो इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। कैश आउट पहले जैसा ही यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और एक सबसे अच्छा चीज़ है यहाँ पे सेटिंग में जाके एक आपको दिखाते हैं डिवाइस का। डिवाइस में आप देख पा रहे हैं मोर्फो, मंत्रा, स्टाटेक, कोई भी डिवाइस को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सारा डिवाइस अवेलेबल है, कोई भी फिंगरप्रिंट अब आपका काम करेगा। पहले हम लोग जो यूज करते थे मोर्फो या मंत्रा, दो ही फिंगरप्रिंट को यूज कर पाते थे। अभी आप देख पा रहे हैं सारे प्रिंटर यहाँ पे, जो भी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन अपडेट होने से एक नए अपडेट यहाँ पे दिया गया है, नए सर्विस को भी जोड़ा गया है और नए फीचर को भी ऐड किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोई भी डिवाइस अब आप यूज कर पाएंगे इनमें से, जो भी डिवाइस हो आपका, कोई भी स्टैटिक नहीं चलता था वो भी अब आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे, सारे डिवाइस को करीबन यूज कर पाएंगे। तो ये आपने अपडेट देख लिया कि ये अपडेट होने से क्या क्या बेनिफिट हुआ है रिटेलर को। तो यहाँ पे आपका कोई भी डिवाइस काम करेगा। बहुत सारे रिटेलर का ऐसा था कि स्टैटिक जो कहीं ना कहीं से रिटेलर जुगाड़ करते थे और उसको यूज नहीं कर पाते थे, तो अब आप स्टैटिक से भी चला सकते हैं इजी केस पॉइंट। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है, मोबाइल में एप्लीकेशन में कोई भी फिंगरप्रिंट काम करेगा। अब हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे प्रिंटर, यहाँ पे देखिए ब्लूप्रिंट को यहाँ पे जोड़ा गया है, यहाँ पे आप ब्लूप्रिंट कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो हमारा ये ब्लूप्रिंट अभी कनेक्ट है इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बाकी सेम जैसा ही ऑप्शन है। यहाँ पे AEPS है विड्रॉल करने के लिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा MATM का ऑप्शन है और यहाँ पे DMT का ऑप्शन है मनी ट्रांसफर करने के लिए। तो एप्लीकेशन का कुछ लुक चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं एक मनी ट्रांसफर करके आपको दिखाता हूँ। मनी ट्रांसफर करने के लिए मोबाइल नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर किया। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3 आपको तीन वॉलेट मिलते हैं, तीनों में से कोई भी वॉलेट सेलेक्ट करके मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी वॉलेट 3 को मैं सेलेक्ट कर दिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये अकाउंट में मैं अभी एक 400 का अमाउंट भेज के देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे IMPS सेलेक्ट किया, पेपे क्लिक किया, यस करूँगा। यस करने के बाद हमारा अकाउंट में ये 400 रुपीस अभी चला जाएगा मनी ट्रांसफर। तो ये देखिए रिसिप्ट भी चेंज हो गया है, आप देख पा रहे हैं गजब का ये रिसिप्ट यहाँ पे आ रहा है। 400 रुपया हमारा अकाउंट में चला गया, सेंट्रल बैंक में चला गया, वो भी डिटेल आ रहा है, कस्टमर नाम आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, इस तरह से सारा डिटेल शो कर रहा है। और एक अच्छा चीज़ यहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन दे रहा है और डाउनलोड PDF का भी ऑप्शन दे रहा है, यानी कि आप इस रिसिप्ट को चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ क्योंकि हमारा ब्लूटूथ प्रिंटर कनेक्ट है। कनेक्ट होने के बाद ये कैसे प्रिंट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट पे क्लिक किया, प्रिंट पे क्लिक करने के बाद मैं देख लेता हूँ कि हमारा ये प्रिंट कैसा हुआ है। प्रिंट होने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ये जो प्रिंट का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो रिसिप्ट किस तरह से डाउनलोड होता है हम लोग देख लेते हैं। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि रिसिप्ट किस तरह से डाउनलोड होगा, रिसिप्ट डाउनलोड होने के बाद आप किस तरह से कस्टमर को दे सकते हैं। तो मैं अभी कैमरा ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि रिसिप्ट कैसा होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा ये प्रिंटर है, प्रिंटर मोबाइल से कनेक्ट है और इस तरह से गजब का रिसिप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
फुल डिटेल दिया हुआ है मनी ट्रांसफर के बारे में, मैंने कितना अमाउंट किया, ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह वगैरह सारा। दो रिसिप्ट ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, एक में आप सिग्नेचर करा के कस्टमर से अपने पास रख लीजिए, एक कस्टमर को दे दीजिए। तो ये हुआ गजब का बात। और गजब का बात यह है कि रिसिप्ट इस तरह का अब आप दे सकेंगे कस्टमर को, अगर ये प्रिंटर आप ले लेते हैं तो। तो ये एप्लीकेशन में एक नया अपडेट है, ये नया अपडेट होने से प्रिंट आप इस तरह से आप दे पाएंगे, दो रिसिप्ट निकालेंगे और एक कस्टमर को रिसिप्ट में सिग्नेचर करा के अपने पास रख लेंगे, एक कस्टमर को दे देंगे। तो इस तरह का अब आप रिसिप्ट भी दे सकते हैं। या फिर एक और यहाँ पे फ्यूचर को ऐड किया गया है कि यहाँ से आप ये PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि मनी ट्रांसफर कैसे होता है और रिसिप्ट कैसा निकलता है वो भी हमने देखा। और ये अभी एप्लीकेशन में बहुत सारे नया नया फीचर को अभी ऐड किया जाएगा, जो कि पैन कार्ड का भी आप एप्लीकेशन में देख पा रहे हैं, फ्लाइट टिकट का देख पा रहे हैं, ट्रेन टिकट का देख पा रहे हैं, ये जल्द ही लाइव हो जाएगा। जो कि एप्लीकेशन में ये जो फीचर अभी ऐड किया गया है इसमें UPI ऐड होना है, UPI यानी कि UPI के जरिए भी आप पेमेंट ले पाएंगे, गूगल पे फोन पे किसी भी माध्यम से पेमेंट आप ले पाएंगे। तो ये बहुत सारे ऑप्शन को इजी कैश पॉइंट जोड़ रहे हैं, जो कि आपको बने रहना है इजी कैश पॉइंट के साथ और नए डिजाइन के साथ एप्लीकेशन अवेलेबल है। और इस तरह से आप रिसिप्ट अगर देना चाहते हैं कस्टमर को तो ये ब्लूटूथ प्रिंटर अवेलेबल है, ये ब्लूटूथ प्रिंटर आप ले सकते हैं। तो इस तरह का रिसिप्ट होता है, देख पा रहे हैं रिसिप्ट मैं आपको क्लियर दिखा रहा हूँ, दो रिसिप्ट इस तरह से निकलेगा, उसके बाद एक में सिग्नेचर करा के कस्टमर अपने पास रख लेना है, एक कस्टमर को दे देना है। तो इस तरह से रिसिप्ट भी आप दे सकते हैं प्रिंटर लेके। और मैं अभी विड्रॉल करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे विड्रॉल करने के लिए हमारे पास कोई अकाउंट ऐसा है नहीं जिससे मैं विड्रॉल करके दिखाऊँ, क्योंकि यहाँ पे विड्रॉल करने से एक नया फ्यूचर जोड़ा गया है। जब आप विड्रॉल करेंगे तो आप SMS के द्वारा भी रिसिप्ट कस्टमर को दे पाएंगे, एक नया फ्यूचर यहाँ पे ऐड किया गया है। जब आप विड्रॉल करेंगे, विड्रॉल करने के बाद रिसिप्ट जो निकलेगा, रिसिप्ट में सबसे लास्ट में एक ऑप्शन रहेगा आपको SMS सेंड करने का, यानी कि कस्टमर का जो आप निकासी करेंगे उस कस्टमर के मोबाइल पे आप SMS के जरिए उसको रिसिप्ट दे सकते हैं, कितना अकाउंट में बैलेंस उसका विड्रॉल हुआ उसका जानकारी। तो ये एक बहुत ही गजब का फ्यूचर को लॉन्च कर दिया है इजी कैश पॉइंट ने। बने रहें इजी कैश पॉइंट के साथ, जुड़े रहें इजी कैश पॉइंट के साथ। रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी जो भी लेना चाहते हैं आप हमारे साथ इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर है 7644006565, जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। धन्यवाद।